यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा था तो आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम ने गाइस माइकल के साथ साथ ना सबके साथ हम लोग किडनैप हो गए थे और वो किडनैप ने बिग माफिया के भाई करवाया था। और इस वक्त ने गाइस आप सभी लोग देख सकते हो बिग माफिया ने हमें यहाँ पे कैद कर रखा है और भाई साहब इस वाले सीक्रेट बेस पर। और गाइस ये ना इसका साथ से नया सीक्रेट बेस है। लास्ट टाइम आपको पता होगा यार जब हम लोग लेस्टर के घर पर गए थे ना तो ये ना अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ ना लेस्टर के घर पर अटैक कर दिया था। और वहाँ पे गाइजर जब मैंने वेपन निकाला तो भाई साहब कोई ना पीछे से स्टन गन मार दिया। हम गाइजर वहीं पे सबके सब हम लोग बेहोश हो गए थे। और फिलहाल तो गाइजर ये ना पकड़ करके और भाई साहब देख सकते हो सामने की तरफ ना लेस्टर और उसका जो फ्रेंड है ना दोनों के दोनों यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। गाइजर यहाँ पे इनके सर पर यार स्टन गन मारा गया है। फिलहाल तो गाइजर मैं ना इन्हें कुछ भी मतलब बचा भी नहीं सकता। अपने पास सिर्फ वेपन के नाम पर कुछ भी नहीं है भाई, एक पिस्तल तक नहीं छोड़ा। और गाइजर अभी ना बिग माफिया बोल रहे हैं कि अगर तुम इन सबको बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ना मुझे $1 बिलियन ला करके दो। अब गाइजर अभी $1 बिलियन मैं कहाँ से लाऊंगा मुझे तो ये पता नहीं चल रहा। तो ओके गाइजर अभी ना बिग माफिया भाई सब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो गया और ये बोल रहा है कि यार अभी क्या भी ना तो मुझे $1 बिलियन ला करके दोगे। और भाई साहब ये बोल रहा है ना कि तुम्हें ना एक मतलब एक खतरनाक जगह पर रॉबरी करना है डायमंड कैसीनो पर और वहाँ पर ना काफ़ी सारा डायमंड है, गोल्ड है और तीन गोल्डन मंकी है तो उन सभी को ना चोरी करके ला करके आज के आज ही देना है। मतलब हमें 2 दिन का टाइम दे रहा है। तो गाइजर अभी ना मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि गाइजर इस वक्त ना मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। भाई साहब बहुत ही बुरे तरीके से इस बार ही हम लोग फंस चुके हैं। और अगर मुझे लेस्टर को और लेस्टर के फ्रेंड को और अपने सारे फ्रेंड को बचाना है ना तो मुझे ना गाइजर इसका काम करना पड़ेगा तभी ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे। खैर गाइजर इसका भी कोई पता नहीं है, अगर हम लोग इसके लिए काम करते हैं $1 बिलियन चोरी करके ला करके दे भी देते हैं तो फिर भी गाइजर मुझे नहीं लगता गाइजर ये हमें यहाँ से जाने देगा। तो चलो गाइजर अभी ना बिग माफिया से मेरे सारे बात हो चुका है और भाई साहब इस वक्त ना बिग माफिया बोल रहे ना कि तुम्हें ना एक खतरनाक सी जगह पर रॉबरी करना है और वो जगह है डायमंड कैसीनो और वहाँ से ना गाइजर 3 गोल्डन मंकी इसके साथ साथ बहुत सारा पैसा वगैरह है उन सभी चीज़ों को चोरी करके लाना है। अब गाइजर वहाँ पे तो हम लोग चोरी करने के लिए जा सकते हैं लेकिन गाइजर पता नहीं हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वापस आ पाएंगे या फिर नहीं क्योंकि गाइजर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले सिक्योरिटी गार्ड्स है। और गाइजर मुझे पता चला है कि डायमंड कैसीनो में इस बार ना रोबोट्स वगैरह भी यार बहुत डेंजरस है, मतलब उनको तो मारना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो फिलहाल तो यार कुछ भी करना होगा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। और इस वक्त गाइजर देख रहे तो इसका जो टनल है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हर जगह भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड्स है। फिलहाल यहाँ से ना मुझे एक गेट नजर आ रहा है तो यहाँ से मैं बाहर चलता हूँ। और इस वक्त पता नहीं गाइजर फ्रैंकलिन ट्रेवर को किधर रखा है इन लोगों ने। ओ भाई 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 भाई, भाई देख सकते हो यहाँ पे गाइजर इसका गैराज साथ है और यहाँ पे गाइजर देख रहे हो कितना खतरनाक सुपर कार बाइक है। इसके साथ साथ एक खतरनाक सा क्वाड्रा भी है जो कि यार बहुत महंगी मतलब कार है, मतलब गाइजर वो ना एक $100 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि यार काफ़ी महंगी कार है। और इस वक्त ना गाइजर मुझे ना सामने की तरफ एक SUV नजर आ रहा है जहाँ पे ना फ्रैंकलिन अंडर वाटर माफिया और ट्रेवर बैठे हुए हैं और भाई साहब इन लोगों ने भाई साहब उन पे एम कर रखा है। और अभी ना गाइजर मुझे किसी भी तरह से ना भाई $1 मिलियन चोरी करना पड़ेगा डायमंड कैसीनो जा करके। ये भाई साहब कुछ ज़्यादा हो गया। वैसे गाइजर अपने पास पैसा नहीं है वरना भाई साहब ला करके इसके मुंह पे मार देते और भाई साहब सबको बचा लेते लेकिन मुझे नहीं लगता भाई साहब ये लोग छोड़ेंगे। तो चलो गाइजर अभी ना इस बंदे से बात हो चुकी है, फिलहाल ही अपने बॉस से बात कर लिया। और भाई साहब इस वक्त ना मुझे इस वाले SUV को भाई टूटा फूटा पता नहीं ये कौन सा भाई रेंज रोवर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, कौन सा सड़ा हुआ मतलब सड़ा हुआ नहीं है भाई, सही सलामत है। फिर भी इसी को हमें लेकर के यहाँ से ना जाने के लिए बोल रहा है। फिलहाल ये सामने वाला बंदा ना वो जा रहा है भाई यहाँ पे शटर वगैरह मतलब गेट वगैरह है जिससे हम लोग ना बाहर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो मतलब टनल है भाई साहब इसके ना ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ेगा जो कि इससे यहाँ से ना भाई पता नहीं कैसे जाएंगे। वैसे गाइजर अभी ना हम लोग सिर्फ 4 लोग और भाई साहब बिना लेस्टर के भाई चोरी करना वो भी बहुत ही बड़े से बैंक मतलब डायमंड कैसीनो पर भाई यार बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर भी यार कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा यार। लमार है बैनी है लेकिन बैनी यार कोई काम का नहीं है, लमार भाई बहुत खतरनाक बंदा है। तो चलो गाइजर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ना ये लोग ना मेरे को ऊपर की तरफ ला चुके और भाई साहब देख रहे हो ये जो भाई कैसा सीक्रेट बंकर बना रखा भाई। ओके तो यहाँ पे मैं नीचे कैसे जाऊँगा इसकी ऐसी की तैसी भाई साहब यहाँ पे। तो ओके यहाँ पे सामने से ना एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो कि ना साथ से हमें ना उस वाले सीक्रेट मतलब उस डायमंड कैसीनो के पास ले जा करके छोड़ने वाला है। भाई साहब ऐसे थोड़ी ना गाइजर यहाँ पे ना अपने पास तो वेपन वगैरह मतलब गाड़ी वगैरह पर रखा हुआ है। फिलहाल यार काफ़ी खतरनाक वेपन भी दे दिया है मतलब बिग माफिया ने। तो चलो अभी देखते हैं भाई साहब ये हमें कहाँ लेकर के जाने वाला है। तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो सामने की तरफ ये जो बंदा ना भाई अपने को ना नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है और भाई साहब कैसा सीक्रेट जगह पर बना रखा भाई टनल। तो गाइजर जब तक ये बंदा ना अपने को नीचे की तरफ लेकर के जाता ना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वाले वीडियो पे ना पूरे 5000 लाइक टारगेट है तो 5000 लाइक जरूर से कंप्लीट कर देना। तो ओके गाइजर जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो सामने की तरफ ये जो बंदा ना भाई साहब अपने को नीचे की तरफ ला करके छोड़ चुका है, मतलब वहां से ना गाइजर आने में यार काफी टाइम लग जाता है लेकिन इस बंदे ने भाई साहब काफी जल्दी में हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। फिलहाल तो गाइजर अभी ना रात भी हो चुका है और इस वक्त ना
गाइस यार मैं ना सोच रहा हूँ सबसे पहले अपने शोरूम पे चलते हैं और वहाँ पे ना गाइस यार लास्ट टाइम आपको पता होगा जो मैंने कार मतलब माइकल ने कार जीता था ना उस सिटी में जा करके वाला कार भी मैंने लमार को बोल दिया कि यार ले करके आ जाना। तो फिलहाल तो गाइस यार चलते हैं फटाफट से अपने शोरूम की तरफ। तो ओके गाइस अभी ना बिग माफ है कि ये वाला SUV को लेकर के मैं अपने शोरूम पर आ चुका हूँ और इस वक्त ना गाइस यार भाई आराम से चल लेते हैं भाई यार नीचे ना चला जाऊँ वैसे भी अंधेरा है भाई साहब अभी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सही से। खैर चलते हैं भाई फटाफट से सामने की तरफ अपना शोरूम जो है भाई पहुँच ही चुका हूँ मैं। और अभी ना गाइस यार मुझे ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो नजर आ रहा है जो मैंने लास्ट टाइम जो जीता था ना वो सारा गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुका है। एक ना भाई साहब लैम्बोर्गिनी था और ओके गाइस यार चलते फटाफट से यहाँ सामने की तरफ। एक यहाँ पे रेंज रोवर है और यहाँ पे भाई साहब किसी का ना भाई साहब ये ना शायद से रोल्स रॉयस से मॉडिफिकेशन के लिए आया होगा। और भाई साहब ये देखो भाई ये वाला जो कार है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है मतलब इसका जो कलर है ना भाई क्रोम बहुत ज़्यादा ओपी लगता है। फिलहाल यहाँ पे SVJ 63 है और एक यहाँ पे रेंज रोवर है। और गाइस यार एक सेकेंड लास्ट टाइम आपको पता होगा जिस कार को हम लोग लेकर गए थे रेस खेलने के लिए ना भाई साहब इस कार का क्या ही हाल हो रखा है भाई आपको पता होगा लास्ट टाइम ना बस थोड़ा मतलब साइड में मतलब खतरनाक से एक्सीडेंट हुआ था लेकिन यहाँ पे गाइस यार पूरा ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो रखा। तो ओके गाइस यार मैंने लमार से बात कर लिया। फिलहाल तो गाइस यार लमार बोल रहे ना कि यार जब इसे एयरपोर्ट से लेकर के आ रहा था ना तो भाई कोई ट्रक आकर इसमें टक्कर मार दिया था और वो ना ट्रक ड्राइवर था एक लॉस्ट गैंग का बंदा था जो कि यार शायद से ऐसा कर दिया होगा। खैर यार क्या ही कर सकते हैं। चलो गाइस यार अभी ना रात भी बहुत ज्यादा हो चुका है और भाई साहब इस वक्त मतलब कल के दिन ना मुझे मतलब बिग माफे के लिए ना एक बहुत खतरनाक सा काम करना है। तो फिलहाल तो गाइस यार अभी आज के दिन ना सो जाते हैं कल देखते हैं भाई साहब हम लोग डायमंड कैसीनो के अंदर कैसे जाते हैं सारा प्लानिंग करेंगे। तो चलो गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी ना गाइस यार यहाँ पे सुबह भी हो चुका है और इस वक्त ना गाइस यार सब ने अपना अपना आर्मर और वेपन वगैरह ले लिया है जो कि हमें ना बिग माफे ने दिया था। फिलहाल आप देख सकते हो एक सेकंड यार रात भर चेक करना यहाँ पे इस वाली कार को ना बेनी ने साथ से फिक्स कर दिया है लेकिन गाइस यार इसका इंजन ना भाई पूरी तरह से खराब लग रहा है मेरे को और यहाँ पे भाई अभी सो रहा है क्या। तो ओके गाइस यार अभी ना बेनी बोल रहा है कि यार इस वाली कार का ना इंजन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है मतलब यार देख रहे हो स्मोक निकल रहा है अंदर से तो फिलहाल तो उसके लिए हमें नया वाला लेना पड़ेगा इंजन वगैरह तभी ये अच्छा तरीके से चलेगा। खैर अभी हम लोग ये सब बातें बाद में करेंगे फिलहाल तो हम लोग ना सबसे पहले मास्क लगा लेते हैं और भाई साहब आर्मर लगा लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने बिग माफे से ना कॉल से बात कर लिया और भाई साहब इस वक्त ना बिग माफे ने मुझे एक बहुत खतरनाक चीज़ बताया मतलब उसने एक ऐसा टनल बताया ना जहाँ से हम लोग आराम से ना डायमंड कैसीनो के अंदर जा सकते हैं पीछे वाले रास्ते से मतलब उस वाले टनल के अंदर आराम से हम लोग घुस सकते एक बार घुस गए ना तो भाई साहब हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे सारा गोल्ड और डायमंड जहाँ पे रखा हुआ है ना वहीं पर। तो फिलहाल अपने SUV को भगाते भाई भाई आराम से यार भाई कैसा यार नशा वसा करके ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल हम लोग चल लेते हैं अपने काम से और इस वक्त ना गाइस उस वाले लोकेशन पर मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे अभी ना बिग माफे ने मुझे मतलब वो वाला लोकेशन मुझे सेंड किया है तो फिलहाल बस मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और अभी ना वो जो लोकेशन है भाई थोड़ा सा दूर है लेकिन कोई बात नहीं अभी ना अपने इस वाले SUV को भाई दौड़ाते हैं खतरनाक तरीके से और फटाफट से हम लोग चल लेते हैं सीधा उस वाले लोकेशन पर। तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अभी मैं भगाते भगाते ना पूरे आधे घंटे बाद पहुंच चुका हूं मैं उस वाले सीक्रेट गुफा के अंदर मतलब अंदर नहीं भाई उसके मतलब उसके बाहर। और फिलहाल तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार लोग बोलते हैं ना भाई इसके अंदर ना भाई बहुत खतरनाक चीज़ें रहता है मतलब घोस्ट वगैरह रहता है इसलिए भाई साहब इसके आस पास भी कोई नहीं आता है। और भाई साहब बिग माफ हमें इसके अंदर से जाने के लिए बोल रहा है यार भाई मुझे लगता है ना भाई साहब किसी को डराने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो सामने की तरफ भाई किसी का सर वगैरह काट कर फेंक दिया किसी ने यार भाई यहाँ पे ना कुछ खतरनाक सा मर्डर हुआ होगा। तो गाइस अभी ना सामने की तरफ देख सकते हो भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई अंदर जाना मना है लेकिन कोई बात नहीं अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे इस भूतिया रास्ते के अंदर भी जाना पड़ेगा तो भाई मैं जाऊँगा। तो फिलहाल तो गेट तोड़ते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई बिग माफे का जो वेपन था ना भाई वो सेरा बहुत आसानी से यहाँ पे चूर चूर हो गया ये वाला गेट। तो फिलहाल मुझे ना भाई साहब देख रहे हो कितना ज़्यादा अंधेरा है भाई ये टनल यार मुझे ना टॉर्च निकालना पड़ेगा। और भाई साहब मुझे यार डर तो बहुत लग रहा है इसके अंदर जाने से यार चारों तरफ भाई अंधेरा ही अंधेरा है। तो चलो यार अभी ना मेरे पीछे पीछे सबके सब आ रहे हैं भाई साहब पता नहीं कितना लंबा रास्ता है फिलहाल तो यार डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यार इतना अंधेरा है। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं काफ़ी देर से चलते चलते ना मैं इस वाले टनल के यहाँ पे भाई साहब आ चुका हूँ और यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगी हुई है मतलब यहाँ से ना जरूर कोई अंदर जाने का कोई खुफिया रास्ता होगा। तो चलो अभी हम लोग चल लेते हैं और मैंने यहाँ पे वेपन वगैरह सब कुछ ले रखा है मास्क वगैरह हम लोगों ने लगा रखा है अगर CCTV कैमरा लगाओ भाई साहब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे तो भाई यार ये वाल बंद है और भाई साहब इसके अंदर हमें जाना था भाई यार चलो कोई ना अभी ना गाइस यार यहाँ पे ना हमें किसी भी तरह से ना इसलिए वाल को तोड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना सबके सब यहाँ पे काम पर लग चुके हैं और भाई साहब बिग माफे ने मुझे पहले बता दिया था कि यहाँ पे ना एक वाल भी होगा जिसे तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सारी तैयारी के साथ मैं आया था और इस वक्त ना गाइस यार अंडर वाटर माफिया फ्रैंकलिन सबके सब ना वाल को तोड़ने में लगा हुआ है और अगर कोई सामने आता ना भाई साहब मेरा इस वाले मशीन गन से भाई उसका ना भाई क्या ही कर मुंह तोड़ दूंगा भाई। चलो कोई ना अभी हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक भाई साहब ये लोग ना भाई अपना काम करते हैं फिलहाल ये टाइम भी लगेगा।
तो ओके गाइस, जैसे भी आप सभी लोग देख सकते हो, पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद भाई इन लोगों ने अपना काम कर लिया। और भाई साहब देख रहे हो, छोटा सा यहाँ पे एक होल बनाया है जिससे ना हम लोग इस वाले वाल के मतलब अंदर हम लोग जा सकते हैं। फिलहाल तो गाइस यार अंदर की तरफ कोई है भी नहीं, तो गाइस अभी ना अंदर की तरफ जाना तो मुझे डर भी लग रहा है यार। अंदर ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो फिलहाल वेपन निकालते हैं। तो ओके गाइस, जैसे भी आप लोग देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ। भाई साहब अपने पास ना सबके पास ना मतलब बिग माफे ने स्पेशल वेपन दिया हमें लड़ने के लिए। फिलहाल यार एक सेकेंड, सामने की तरफ ना कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। सबसे पहले यार यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह निकालता हूँ और इसके सर पर रख के बजाता हूँ ताकि यार किसी को पता ना चले। फिलहाल का यार एक सेकंड यार, भाई 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 एक सेकंड, जल्दी से भागना पड़ेगा यार। सामने से कोई देखा तो नहीं अपने को? वो भाई भाई उस बंदे ने देख लिया। चलो कोई बात नहीं, अभी वक्त आ चुका है लेजर वाला गन निकालने का। और भाई आ जाओ भाई, सबकी ऐसी की तैसी, किसी को छोड़ने वाला नहीं यहाँ पे। और भाई सब देख रहे हो कितने ज्यादा बंदे। चलो कोई बात नहीं, अभी ना भागते भागते भाई एक सेकंड, सबसे पहले सामने जितने बंदे ना सबका मुंह तोड़ते हैं। और यार कोई अच्छा सा वेपन निकालना पड़ेगा भाई इससे ना, भाई मुझे नहीं लगता कोई मरने वाला जल्दी जल्दी से। कोई बात नहीं, अभी ना अपना M249 निकाल लूंगा मैं। तो चलो गाइस अभी ना सबसे पहले हम लोग कवर लेते हैं। और भाई साहब जब तक हम लोग कवर नहीं लेंगे भाई यार इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ना भाई रोबोट वगैरह भी होते हैं भाई साहब, बहुत खतरनाक वाले। तो फिलहाल अभी ना M249 निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा भाई। M249 आपको पता होगा कितना खतरनाक गन है। फिलहाल यार अगर मैंने M249 निकाल लिया ना तो अब सबका बैंड बजने वाला है। यहाँ पे कवर लेते हैं और भाई साहब सामने से ना बहुत बंदे आ रहे हैं। तो गाइस जैसे आप सभी लोग देख सकते हो सामने की तरफ ना भाई यार बंदे ही बंदे आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास है भाई खतरनाक सा गन। और इस वक्त ना भाई जो भी आएगा ना भाई सबका सर फोड़ने वाला हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे भाई फिलहाल तो मैंने शीशा वीशा तोड़ दिया। भाई भाई क्या ही मिलने बंदे भाई, चलो निकलो यहाँ से। चलो अभी आ जाओ भाई, अभी ना मैं लेजर गन यूज़ करूँगा। और भाई साहब ये गन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसकी ऐसी तैसे निकल यहाँ से भाई यार। ये ना बहुत ज़्यादा ओपी गन है। फिलहाल तो भाई इससे ना मैं आराम से सबको मार सकता हूँ। फिलहाल यार आप सभी लोग देख सकते हो सामने की तरफ यार ये बंदा छुपा हुआ, तो चल तेरी। तो चलो यहाँ पे ये तो गया। और गाजर अभी ने इसके अंदर ना बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास भी लगाए, तो मुझे ना गाजर तोड़ना पड़ेगा किसी भी तरह से। लेकिन गाजर अभी ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है यार वो मतलब गोल्ड डायमंड जहाँ पे रखा ना भाई वो वाला जगह ढूंढा। भाई भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे, इसकी ऐसी किसी भाई यहाँ पे ना बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। भाई यार मुझे सामने जाना पड़ेगा एक सीकेंड। तो ओके, तो यहाँ पे भाई देख सकते हो कितने सारे बंदे यार, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, इसकी ऐसी की तैसी। चलो यहाँ सबके ना बैंड बजाता हूँ मैं। फिलहाल तो अगर मेरे पीछे ना काफ़ी सारे मतलब अपना फ्रेंड वगैरह है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी RPG निकालता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना RPG ना एक इनके रख के बजाता हूँ, भाई साहब सबके सब मारेंगे। तो चलो भाई यार पहले गेट तो खुल जाए। चलो बेटा निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। बाकी भी गाजर यहाँ पे देख रहे हो हर जगह भाई आगे आग लग चुकी है। भाई 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 आराम से यार, खुद को ही ना मार लूँ मैं। तो चलो भाई यार ये और जो वेपन है ना भाई बहुत खतरनाक है, एक को मारूंगा भाई साहब 10 बंदे उड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो यहाँ पे फ्रैंकलिन ट्रेवर भाई साहब मैंने बोला अंदर जाने को, बिलाल तीन लोग अंदर जा करना। सबके यार बैंड बजा रहे हैं और मुझे ना सबसे पहले ना गाइजर मेरे को लगता है ना गाइजर यही वो टनल है जिसके अंदर हमें मिलेगा वो सारा गोल्ड वगैरह। फिलहाल पीछे के साइड भी कुछ बंदे आ रहे हैं इसकी, तो चल एक और बंदा है, चल तेरी तो निकल यहाँ से। तो चलो गाइजर यहाँ पे सबके से मर चुके हैं। फिलहाल तो गाइजर यहाँ पे भाई साहब इतने सारे खतरनाक रोबोट्स बंदे, भाई 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 बहुत ज़बरदस्त। एक सेकेंड, पहले ने इसकी तल तेरी तो रख के बजाया मैंने इसके सर पर। फिलहाल तो गाइजर देख रहे हो भाई इनके पास ना आर्मर कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो गाइस यहाँ पे देख रहे हो सामने की तरफ भाई यार कितने सारे बंदे आ रहे हैं। फिलहाल गाइस ये ना रोबोट की तरह दिखते हैं। और भाई सब इनके पास यार मिनी गन है मतलब लेजर गन है, और इसकी ऐसे एक दशा निकली यहाँ से। भाई यार एक तो इनको चलना नहीं आता सही से, और भाई साहब ये ना इसको ले करके चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि गाइस ये जो लेजर गन है ना भाई साहब बहुत ज़्यादा हैवी है। फिलहाल पीछे से मेरे को यार कोई तो मार रहा है, अबे तेरी लो निकल यहाँ से। भाई यार देख रूँ कितना खतरनाक आर्मर है। फिलहाल लेजर गन है अपने पास, तो भाई साहब इनका आर्मर कोई काम नहीं आने वाला। फिलहाल तो गाइस यार देख सकते हो सामने की तरफ ना एक ओके एक और बंदा गया, और भी दो तीन बंदे। तो चलो यहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को यार भरोसे छोड़ दिया, फिलहाल तो ये लोग भाई साहब सबको टपका दिए। तो चलो अभी ना मेरे को ना सबसे पहले ओके, तो मेरे को ना यहाँ पे CCTV कैमरा रूम मिल गया है जहाँ पे ना यार सारा फुटेज वगैरह दिखा रहा है। यार इसका मतलब ना हम सबके सब CCTV कैमरे पर कैद हो चुके हैं। और इस वक्त ना गाजर मुझे ना सब कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। वो भाई साहब देख सकते हो सामने की तरफ डिस्प्ले लगा, चल तेरे तो सबको ना यहाँ पे तोड़ फोड़ देता हूँ। फिलहाल लेजर गन भाई बहुत ज़्यादा ओपी है, यहाँ पे और भी थोड़े बहुत कंप्यूटर्स है सबको तोड़ता हूँ। और अभी ना गाइजर मुझे लगता है यार अभी ना यहाँ से किसी को कुछ क्लू मिलने वाला है। तो चलो गाइजर अभी ना मैंने यहाँ पे सब कुछ तोड़ दिया है, और इस वक्त ना गाइजर मुझे इस वाले टनल के अंदर जाना पड़ेगा, जो यार मुझे लगता है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग है। ओ भाई 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 और भी ज़्यादा बंदे आएगी इसकी ऐसी तैसी। भाई यार ये ना बहुत ज़्यादा हैवी वेट है भाई, एक सेकंड, एक बंदा तो भाई बहुत खतरनाक उड़ गया ऊपर की तरफ। बाकी इधर एक और बंदा है, रुक तेरे तो। ओ भाई फिर से बच गया, इसकी ऐसी की तैसी, अब निकल तू। भाई यार क्या ही हवा में उड़ गया। फिलहाल एक और बंदा है, चल तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। तो चलो यहाँ पे भाई साहब ट्रेवर भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से एंट्री लिया यहाँ पर। और फिलहाल तो गाइस टनल के अंदर देख रहे हो कितना ज़्यादा लाश ही लाश गिरा पड़ा है। और अभी ना गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे सामने, ओ भाई 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 सामने भी बंदे, एक सेकंड पहले ना इधर मैं छुप देता हूँ आराम से। और अभी ना गाइस कोई आ रहा है मेरे पीछे आ नहीं,
चलो यहाँ पे आ चुका है ट्रेवर। यार भाई यहाँ से तो यार गोली नहीं लग रहा है फिलहाल, मेरे को कोई और कवर लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे ना इनके यार रख रख के बजाता हूँ। तेरी तो भाई निकल 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 जल्दी से निकल भाई 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 भाई, भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से ये लोग फायर कर रहे। तो यार यहाँ पे ना कोने पे भाई दो तीन बंदे छुपे हुए, बस इनको ना मेरे को मारना है। तो चलो सांस ना ये सब मर चुके हैं। ओके एक बंदा जिंदा है। अब तेरी भैंस की मर जाए यार, क्या ही बंदा है। तो चलो यार यहाँ पे ये भी चुरान सा रोबोट मर चुका है। तो चलो यार अभी ना सबसे पहले ना मुझे गेट की तरफ जाना पड़ेगा। और भाई साहब मुझे लगता है ना ये गेट ओ भाई लॉक नहीं है। लेकिन गाइस यार एक सेकेंड, यहाँ पे तो यार रोबोट्स वगैरह पड़े हैं भाई साहब। चलो कोई ना, यहाँ पे यार ट्रेवर ने रख के बचा दिया हेडशॉट, बाकी तो यहाँ पे दो बंदे और हैं। तो चलो यहाँ पे ट्रेवर भाई साहब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में फिलहाल। तो यार देख ओ भाई 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 अंदर से इतने सारे रोबोट्स आ गए फिलहाल। यार ये लोग इन लोगों का भाई मिनी गन ऐसे खतरनाक वाला लेजर गन है ना, इनको तो एक तो मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। खैर कोई ना, अपना जो गेट है ना भाई कवर बन रहा भाई साहब, क्यों निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। बाकी तो यहाँ पे दो तीन और बंदे हैं। तो चलो ये गया, बाकी का यार देख रहे हो कितना खतरनाक से यार ये गेट है। तो चलो गाइस अभी अपना लेजर गन निकाले और भाई साहब ना इस गेट को क्या इसको भी खुलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे भाई पूरी तरीके से खुल चुका है। और फिलहाल तो आरपीजी मार दिया था साथ से यार पीछे से फ्रैंकलिन ने। फिलहाल एक बंदा था मैंने यहाँ पे मार दिया भाई साहब, देख रहे हो कितना खतरनाक सरमर लगा रखा। खैर लेजर गन था भाई साहब, सबको मारना था। और भाई साहब यहाँ पे ना बहुत बुरे तरीके से मैंने इनको मौत दिया। फिलहाल यार देख रहे हो अंदर की तरफ गोल्ड है, बाहर की तरफ भी गोल्ड है, और भाई हर जगह गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड के अलावा ना गाइस यार यहाँ पे ना डायमंड भी है। और यार बिग माफिया ने बोला था मुझे कि यार किसी भी तरह से ना तुम्हें वो तीन गोल्डन मंकी चुराना है जो कि यार बहुत ज़्यादा महंगी है। तो फिलहाल मुझे ना वो तीनों ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं गाइस यार कहाँ छुपा करके रखा है। फिलहाल देख सकते हो सामने की तरफ एक यहाँ पे सूटकेस पर यार डायमंड भरा पड़ा है। और चलो फटाफट से ना सबको उठा लेते हम लोग यहाँ से गाइस यार। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो सामने की तरफ मैंने यहाँ पे बिग माफिया अंडर वाटर माफिया को बोला कि यार फटाफट से ना जितने भी गोल्डन आते हैं ना भाई सबको उठा ले। फिलहाल यार देख रहे हो मेरे को ना भाई साहब यहाँ पे मिल चुका है वो तीनों गोल्डन मंकी जो कि यार यहाँ पे अंडर वाटर माफिया ने अंदर से ढूंढ के लाया है। और भाई साहब ये देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई गोल्ड वगैरह लेकर के भाई अंडर वाटर माफिया खड़ा है। बोरे वगैरह में भाई साहब लगते हैं ना बहुत ज़्यादा भर भर के रख लिया है। खैर इतना खतरनाक बॉडी है तो भाई साहब आराम से ले जा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे सबके सब ना यहाँ पे जितना भी आ सकता था ना उतना गोल्ड मैंने उठा लिया है, सबके सब ने उठा लिया। और भाई साहब इतने में ना भाई बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। मतलब बिग माफिया ने बोला था $1 बिलियन चाहिए, लेकिन भाई साहब अभी ना उसको लगता है भाई $2-3 मिलियन तो मिल ही जाएगा। मतलब $1 बिलियन यार बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल यहाँ पे अपने मतलब सूटकेस में ना डायमंड बड़ा पड़ा है। और गाजर पहले ना सबसे पहले यहाँ पे वेपन निकालता हूँ, सूटकेस को ना बैग के अंदर रखता हूँ। तो चलो अभी गाजर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ना मुझे पता ही था कोई ना कोई तो जरूर होगा। और इस वक्त ना गाजर मैंने अंडर वाटर माफिया को बोला भाई यार जाकर के छुप जा, गाजर उसके हाथ में ना बहुत ज्यादा गोल्ड है। मतलब दो बोरी भरकर यार गोल्ड यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो फिलहाल सामने कुछ बंदे हैं जिससे ना मुझे किसी भी तरह से मारना पड़ेगा। भाई साहब सहस ना वो लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं और इस वक्त ना गाजर यहाँ से बच के भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलो आ जाओ बेटे अंदर की तरफ आके तो दिखाओ तुम लोग। तो चलो यहाँ पे एक तो गया, बाकी गाजर अपना दोस्त लोग इधर चला गया भाई ट्रेवर वगैरह। यार एक स्किन मेरे को ना अकेला लड़ना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं गाजर यहाँ पे वो लोग गोल्ड उठाने में लगे हुए हैं। फिलहाल तो यहाँ पे सब बंदों का ना मैं आराम से मारता हूँ। और भाई साहब माफिया देख रहे हो कैसे छुपा बैठा है। चलो कोई बात नहीं, उसके पास ना वेपन नहीं है, मतलब अभी ना वो गोल्ड वगैरह मतलब दो बोरियाँ भर कर उठा रखा है। फिलहाल सामने दो तीन बंदे, चल तेरी तो। चलो गाजर यहाँ पे ना बुलेट प्रूफ जो शीशा है ना भाई ये इनको बहुत बचा रहा है। तो गाजर अभी ना पुलिस वाले भी अपने पीछे पड़ने वाले हैं। और गाजर इस वक्त ना 5 स्टार भी लग चुका है, मतलब गाजर अभी ना बाहर की तरफ भागना बहुत मुश्किल है। खैर इन सबको सबसे पहले निपटाते हैं, उसके बाद ना गाजर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं ना बिग नाफे को कॉल कर दूंगा, वो ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह लेकर के मतलब रख दे, वरना भाई साहब उसका भी नुकसान होगा। तो चलो कोई ना, यहाँ पे सारे रोबोट्स को ना मैं रख रख के बचा दिया। फिलहाल यार सबके सब मर चुके हैं और भाई साहब इनके पास जो गन है ना भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने सबको मार दिया। फिलहाल तो गाइस अंडर वाटर माफिया किधर है, चल भाई आजा। मैंने सबको मार दिया, फिलहाल ये बंदा छुपा हुआ है क्या अभी। चलो चलो यहाँ पे यार ये भी उठ चुका है। फिलहाल गाइस अभी ना मुझे ओके सामने से एक बंदा हमारा वेट कर रहा है, चल बेटे निकल पहले फुर्सत में। बाकी गाइस पता नहीं ये चूरन से बंदा कर क्या रहा था। तो चलो यहाँ पे भाई कोई और है क्या, तो ओके यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी गाजर अभी ना फटाफट से ना हमें बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो चलो गाजर अभी ना सबके सब आ चुके हैं, सारा डायमंड मतलब बैग वगैरह मतलब सब कुछ रख लिया मैंने। जो तीन गोल्डन मंगे थे ना वो मैंने बैग में डाल लिया है। और भाई साहब इस वक्त ना $1 बिलियन नहीं बल्कि हम लोग $2-3 बिलियन लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से ना मैं बिग माफिया को कॉल करता हूँ और उसे बोल देता हूँ यार कोई ना बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह ले आए हमें ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा पुलिस और मिलिट्री वाले आने वाले। तो फटाफट से ना गाजर इस वाले टनल से ना मुझे बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो गाजर यहाँ पे ना कॉप से ना गाजर पूरी टनल को यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। भाई साहब इतने सारे यहाँ पर है ना कि इनको मारना एक तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोई ना, अपने पास M249 भाई भाई बच के इसकी ऐसी की तैसी रुको लेजर
कर निकालता हूँ। आ जाओ तेरी फैंस के यहाँ। चलो गाइस यहाँ पे ना सांप को मैं रख रख के बजाता हूँ हेडशॉट ने भाई यार लेजर गन है तो पता यार क्या है भाई, मतलब इनका ना भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो चलो यहाँ पे ना गाइस बिग नाफे का भी वेपन यूज कर लेते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे ना सारे के सारे बंदे मर चुके हैं और इस वक्त ना गाइस यार मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस वक्त ना यार सबके हाथ में ना भाई बहुत सारा गोल्ड और डायमंड, और मेरे हाथ में यार 2-3 गोल्डन मंकी है, इसके अलावा डायमंड है जो कि यार बहुत महंगे होने वाले। तो चलो यार फटाफट से ना हम लोग इस वाले गेट को तोड़ते हैं और चुपचाप ना बाहर चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा पुलिस है बाहर। तो ओके गाजर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ ना गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन गाजर यहाँ पे ना 4-star वे भी लगा हुआ है और भाई साहब यहाँ पे पुलिस वाले इसकी ऐसे कैसे चल निकल पहले फुर्सत में। बाकी गाजर ये गाड़ी के ऊपर किसका लाश है यार, जरूर ये ना बिग माफिया का काम होगा या फिर उसका सिक्योरिटी गार्ड का काम होगा जो कि ऐसा मार रखा है पुलिस वाले को। खैर छोड़ो यहाँ पे ना गाजर जल्दी जल्दी से बैठते हो भाई साहब। इस वक्त ना अपने पास एक बुलेट प्रूफ रॉकेट प्रूफ भी है जो कि फायर प्रूफ भी है, मतलब इससे ना कुछ होने वाला नहीं है। और अभी ना गाजर फ्रैंकलिन को देख सकते हो यहाँ पे ना वेपन मशीन गन पे बैठ चुका है और इस वक्त ना गाजर सब के सब ना बहुत बुरे हाल तरीके से मरने वाले। तो चलो अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ से भागाते हैं और इस वक्त ना गाजर मुझे ना कोई सेफ जगह पर भागना पड़ेगा और पता नहीं गाजर हम लोग कहाँ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक पुलिस वाला भाई साहब अपना रास्ता ब्लॉक करने आया, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे फ्रैंकलिन भाई उसका रख के बजा दिया अपने। यार एक सेकंड मैं ना पिस्टल निकाल लेता हूँ, अगर कोई सामने से आ गया ना तो भाई एक सेकंड सामने से कोई आ रहा है चलते रहे तो भाई यार हेडशॉट लगने वाला था। चलो कोई ना एक तो गया। फिलहाल गाजर क्या ही ब्लास्ट हो रहा है, अरे भाई 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 क्या ही ब्लास्ट हुआ इसकी। तो चलो कोई ना अपने पास ना खतरनाक सा गाड़ी है इसलिए बचिए, वरना भाई साहब साथ ही साथ हम लोग भी मर जाते हैं। तो चलो अभी ना फटाफट से हम लोग भागते हैं और इस वक्त गाजर मैं सोच रहा हूँ ना कोई मतलब सीक्रेट जगह पर जाकर जो भाई यार क्या ही ब्लास्ट कर रहा है यार, मुझे लगता है ओके यहाँ पे फ्रैंकलिन भाई साहब ऐसा कर रहा है यार, ऊपर जो गन लगा है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो गाजर अभी ना अपने पास इतना पावरफुल गाड़ी है तो क्यों ना इन सबको मजा चखाया जाए। और अभी ना गाजर सबको ना रख रख के ऐसा खतरनाक तरीके से मारने वाला हो और फ्रैंकलिन भाई साहब भी मशीन गन चला रहा है तो भाई साहब देख रहे हो कैसे यार पागलों की तरह ये लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। फिलहाल यार यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को। चलो कोई ना टक्कर वक्कर मारते हैं। और भाई साहब कितना ज़्यादा भाई भारी गाड़ी है, फिलहाल तो अगर मैं किसी को टक्कर मार दूँ ना भाई देख रहे हो गाड़ी का भाई उसका ओ भाई भाई क्या ही ब्लास्ट हुआ। तो चलो यहाँ पे एक और टक्कर भाई साहब, ये कोई और है भाई, इसे मारना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं यहाँ से निकल जाए हम लोग फटाफट से निकलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पुलिस आ रहे हैं और मैं रॉन्ग साइड क्यों जा रहा हूँ, उधर तो मिलिट्री बेस है। भाई यार यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे सीधे तरफ से और इस वक्त ना गाइस मुझे पता नहीं कहाँ भागना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट से ना हम लोग पुलिस वालों से किसी भी तरह से ना पीछा छुड़ाते हैं और कहीं छुपते हैं। तो गाइस यार फाइनली अभी ना मैं पुलिस वालों से तो पीछा छुड़ा चुका हूँ। वैसे गाइस यार यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, वैसे रात था इसलिए बहुत आसानी से हम लोग पुलिस वालों से बच चुके हैं, लेकिन अभी ना गाइस यार कुछ दिनों के लिए ना हमें यहाँ पर छुपना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। फिलहाल ये जगह काफ़ी सेफ है और इस वक्त ना गाइस यार मैंने बिग माफिया से भी बात कर लिया है और वो बोल रहा है कि यार वो ना पैसा वगैरह लेने वो हमें सीधा बुला लेगा टनल के अंदर, क्योंकि गाइस यार वो बाहर नहीं निकलने वाला इस बार। तो चलो गाइस यार अभी ना फाइनली हम लोगों ने सारा पैसा वगैरह मतलब 2-3 million तो आज के दिन हम लोग रोबी किया, मतलब यार बहुत ज़्यादा गोल्ड है डायमंड है इसके साथ साथ मंकी स्टैचू है। तो चलो गाजर क्या करना चाहिए हमें बिग माफिया को ये सब देना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाजर आज की इस वीडियो में इतना, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से जा करके ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।